नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल देसी मजा पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर मुस्कान आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपना वजन आप कैसे बढ़ा सकते हैं होम रेमेडी से। और दोस्तों ये यूज़ की गई 101% गारंटी के साथ मैं आज आपको नुस्खा बताऊंगी। देखिए हमारे कई व्यूवर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि प्लीज़ ऐसा कोई हमें रेमेडी बताएं जिससे हम अपना वज़न बढ़ा सकें। देखिए दोस्तों वज़न बढ़ाना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आप रोज़ाना अपने कपड़ों को चेंज करते हैं, खुद अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अट्रैक्टिव दिखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी बॉडी का शेप में रहना। लेकिन अगर आपका वज़न कम है, आप दुबले पतले हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों कई लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन उनको वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। कई लोग जो कोई बता देता है उसको यूज़ करने लगते हैं। बहुत से नुस्खे आजमा करके भी अगर उनको कोई फ़र्क नहीं मिल पा रहा है तो आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो नुस्खा बताने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियो को खूब खूब शेयर करें ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों देखिए महिलाओं में भी ज़्यादातर समस्या देखने को मिलती है कि कई महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा ही पतली होती हैं। उनका जो फिगर होता है, जी हाँ, उनके जो स्तन होते हैं वो भी क्योंकि उनका वज़न कम है तो दोस्तों उनके स्तन भी कम होते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्टिव नहीं कर पाती है। यही सेम सिचुएशन होती है मेल्स के साथ। यदि मेल्स दुबला पतला है ज़रूरत से ज़्यादा ही तो दोस्तों उसको कोई भी महिला पसंद नहीं करती है, कोई भी उसको अपना साथी नहीं चुनना चाहती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप वज़न बढ़ा सकते हैं घरेलू तरीके से। दोस्तों इसके लिए आपको अपने खान पान पर ख़ास ख्याल रखना होता है। देखिए आप डाइट में क्या ले रहे हैं। पुरुषों के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप किसी भी तरीके का नशा यूज़ करते हैं, देखिए जैसे धूम्रपान, शराब इत्यादि, सिगरेट वगैरह लड़के यूज़ करते हैं आजकल, कमला पसंद वगैरह वगैरह, तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों को अभी के अभी छोड़ना होगा। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। और जो महिलाएं हैं तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अगर डिप्रेशन में हैं या फिर ज़्यादा आप स्ट्रेस लेती हैं तो आपको वो कम करना होगा। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या ऐड करना है। देखिए दोस्तों आलू को आप नियमित डाइट में आप अपनी शामिल कर सकते हैं। आलू से बहुत ही जल्दी वज़न बढ़ता है और इससे किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। घी खाने से भी आपका वज़न बढ़ेगा क्योंकि दोस्तों इसमें स्टीयरेट फैट्स होता है, जी हाँ, और कैलोरी की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी मात्रा होती है इसमें। तीसरा दोस्तों आप किशमिश रोज़ाना दिन भर यदि आप एक मुट्ठी किशमिश खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आप खजूर खाया करें, खजूर से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। खजूर खाने से सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ही आप अपनी बॉडी में बहुत से चेंजेस देख सकते हैं। और दोस्तों खजूर के साथ यदि आप चना मिक्स करते हैं, जी हाँ, यानी कि आप पहले चना खा लीजिए, सुबह में चना आपने खाया, शाम में आपने खजूर खा ली, या फिर सुबह में आपने खजूर खा ली है, शाम में आप चना खाएं, इससे आप बहुत जल्दी आपका वज़न बढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों आप अंडा, केला, बादाम, पनीर बटर, जी हाँ, पनीर बटर से भी बहुत जल्दी वज़न बढ़ता है। और आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी पर्याप्त नींद लीजिए। हाँ, कम से कम 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। यदि आप 8 घंटे की नींद पूरी नहीं ले पाते हैं तो कम से भी कम दोस्तों मिनिमम से मिनिमम आपने 6 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। और दोस्तों प्रोटीन से भरपूर जैसे कि दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन आदि का सेवन करने से भी हाई कैलोरी के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़रूरी होती है। तो दोस्तों हाई कैलोरी से ही आपका वज़न बढ़ता है। तो अब आप ध्यान रहे जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में पाया जाए उन चीज़ों का सेवन करें। और दोस्तों हाई कैलोरी, जितनी भी आपको कैलोरी हो सकती है आपने वो बढ़ा लेनी है। दोस्तों जंक फूड खाने से मोटापा तो बढ़ता है लेकिन शरीर में बहुत से रोग हो जाते हैं और वो मोटापा भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, सिर्फ 1 से 2 महीने तक के अंदर अंदर आप पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत में पहुँच जाते हैं। तो आप आलू को अपने डाइट में शामिल करें और रोज़ाना एक मुट्ठी सुबह और शाम दोस्तों आपको मूंगफली का सेवन ज़रूर करना है। जी हाँ, मूंगफली से आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। पीनट बटर आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप मांस खाते हैं, जी हाँ, मांस जो चिकन वगैरह होता है उससे भी आपका बहुत जल्दी वज़न बढ़ जाता है। कमज़ोर लोगों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो आप दूध ज़रूर पिया करें, अंडा ज़रूर खाया करें और मछली का तो सेवन ज़रूर किया ही करें।
तो दोस्तों अगर आप भी बार बार शर्मिंदा हो रहे हैं अपने वजन को लेकर तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इससे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं डॉक्टर मुस्कान फिर से आप लोगों के लिए यूनिक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहें, और यदि आप कोई भी बीमारी कंसल्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।